आज का हमारा टॉपिक ये है कि गाड़ी का क्लच छोड़ने से गाड़ी ऐसे सर पे आनी, तो कैसे आएगी, क्लच प्लेटें कैसे डलती और क्या करना पड़ता है उसके अंदर। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो होती है ना ड्राइव प्लेट, क्लच कटोरे के अंदर ना ऐसे फ्री होनी चाहिए, यानी कि कहीं पे अड़नी नहीं चाहिए, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि आपने जो प्रेशर प्लेट होती है वो करवानी पान के लिए, और जो क्लच प्लेट है वो भी करवानी पान, ठीक हो गया। हम आगे फिटिंग शुरू करते हैं, कैमरा थोड़ा लग जाए, कैमरा यहाँ पे आगे ले आना, तो सामान पे आए। सबसे पहले आपने ये लगा लेना है, उसके बाद चार स्प्रिंग होते हैं बड़े, ये देखो तीन ये बड़े हैं, एक हमने लगा दिया, दूसरा लगा दिया, कैमरे इधर ऊपर मार, इस तरह लगा के फिर आपने ये गिरारी लगानी है, उसके बाद इसका जो पुश होता है वो लगा लेना, और ये क्लच बक्से का नट आपने टाइट कर लेना। फिटिंग कर लेनी है, क्लच बक्से का नट टाइट कर लेना, और ये गिरारी अंदर आपकी फ्री होनी चाहिए। अब हम फिटिंग करते हैं क्लच प्लेट की, इसकी साइडों का ना फर्क होता है, ये उल्टी उल्टी भी होती है, देखो ये साइड सीधी है और ये साइड उल्टी है। आपने किस तरीके से लगानी मैं आपको मुकम्मल वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा, और हमारा हमने आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी जो नई वीडियो हर आने वाली होगा आपके पास भाइयों का पास पहुँचे, ठीक हो गए। दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये चेक कर लें, सबसे पहले आपने लेल लगाना है, इसके बाद ये क्लच प्लेट, सबसे पहले क्लच प्लेट लगानी है, ठीक हो गया, ये आपने लगानी इस तरह, ठीक हो गया। उसके बाद आपने प्रेशर पे लेनी, इसका भी उल्टी सीधी का ना फ़र्क होता है, लेकिन आपने इस तरह ज्वाइंट करके ना दोनों को चेक कर लेना है, टेढ़ी ना हो, सीधी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपने साफ ऑयल लगाना है, और इसको आपने किस तरीके से लगाना है मुकम्मल वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये दो साइड होती है, एक प्लेन होती है और एक जो होती है रफ होती है, ठीक हो गया। इसने आपने इस तरह लगाना, ठीक हो गया। साथ इसको भी आपने चेक करना है, ये जाम ना, जाम होगा तो आपका क्लच ठीक नहीं चलेगा। फिर आप उसके बाद आपने ऑयल लगाना है और क्लच प्लेट लेने, इसकी कौन सी साइड लगानी है, उसकी किस तरह की साइड लगाई और इसकी कौन सी लगानी है चेक, ठीक हो गया। इसको आपने लगाना है इस तरह, ठीक हो गया। तो अब हमारी रहेगी आखिरी प्लेट, इसको आपने ऑयल लगा के, ठीक हो गया। इसको हमने लगाना है कि इस तरह लगाएंगे, जो है ना लिफान वाली साइड जो लिखा हो वो ऊपर कर देना। उसके बाद आपने ये गिरारी चेक करनी है, ये अंदर फ्री होनी चाहिए, फ्री होगी तो आपका क्लच ऐसे सर पे आएगी गाड़ी। तो आपने जब ये लॉक लगाना है ना, लॉक को आपने थोड़ा सा ना इस तरह खींच के टाइट कर देना, ये आपने इस तरह लगा देना, ये लॉक हमारा लग गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको खोल लेना क्लच से कूलर को, ठीक हो गया। और आपने ये छोटे स्प्रिंग लेने हैं चार, किस तरह लगाने हैं वो आपने एक पेच कास की मदद से लगाने हैं, ठीक हो गया। ये आप चेक कर लें, इस तरह लगा के ऊपर से एक फिंगर रखनी है, उसके बाद ये देखें, और ये जो हमारा स्प्रिंग है, कैमरा थोड़ा इधर मारना, स्प्रिंग हमारा जो है वो फिटिंग हो गया। उसके बाद आपने इस तरह लगाना है पहले स्प्रिंग को, फिर आपने पेच कास की मदद से आपने इस तरह, ये भी हमारा फिटिंग हो गया। दूसरे बार ये स्प्रिंग लेना आपने, चारों स्प्रिंग नीचे लगा के फिर आपने फिटिंग करनी बेहतरीन किस्म की, और गाड़ी आप क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी आपकी सर पे आ जाएगी। ये देख लें, ये भी लग गया, और आखिर